हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों यहाँ पे आपको टेक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक, व्हाट्सअप, जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उनसे रिलेटेड कोई भी बात हो आपको अनम लॉजिक चैनल में आपको मिल ही जाएगी। मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है, ठीक है, उनका चैनल कुछ ही दिन पहले डीमोनेटाइज हो गया था। उनका चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऐड भी आने चालू हो गए थे, रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो गया था, डॉलर शो करने शुरू हो गए थे, ठीक है। और उनके ऊपर उनका जो ग्रीन डॉलर हमारे जो हर वीडियोस के नीचे दिखाई देता यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, वो भी चालू हो गए थे और अर्निंग भी जनरेट होना शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज से डीमोनेटाइज हो गया है? तो जो नए यूट्यूबर है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है, ठीक है। और जो पुराने यूट्यूबर है जिनको अभी तक ऐसा मेल नहीं आया है, जो मेरे फ्रेंड है जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ में वर्क करते थे, ठीक है, उनके ऊपर जो मेल आया है वो अभी तक पुराने यूट्यूबर्स के पास नहीं आया है, तो वो भी वो मेल आने से पहले वो भी अपने चैनल से ऐसे वीडियोस डिलीट कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त शकील। आप अनम लॉजिक को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आपको वो मेल पढ़ के सुनाता हूँ जो मेल मेरे फ्रेंड ने जो मेरे मेरे फ्रेंड को आया है, कि उसमें एक्चुअल में लिखा क्या है और यूट्यूब क्या समझाना चाहता है। तो चलिए अभी मैं मेल पढ़ता हूँ और वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नोटिस करना। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो मैं इस वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का मेल लिखा हुआ है, पहले अच्छी तरह पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। तो पहले तो देखिए, ड्यूरिंग अ रिसेंट रिव्यू आवर टीम ऑफ पॉलिसी स्पेशलिस्ट केयरफुली लुक ओवर द वीडियोस यू हैव अपलोडेड टू योर चैनल सो एंड सो, वी फाउंडेड सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है, ये वर्ड को आप ध्यान में रखना, योर चैनल इज नॉट इन लाइन विथ अवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी, ठीक है, ये हो गया। वो क्या बोल रहे हैं YouTube वाले कि हमने आपके चैनल का रिव्यू किया, हमारी पूरी टीम ने, हमारे जो स्पेशलिस्ट है उन सब लोगों ने आपके चैनल को, पूरे आपके वीडियोस को चेक किया, चेक करने के बाद आपके चैनल में हमको मिला वी फाउंड दैट सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, ये वर्ड को आप ध्यान में रखना, वी फाउंडेड यानी उनको मिला, यानी वो यूट्यूब की टीम को मिला। यूट्यूब ये कहना चाहती है कि हमको ऐसा मिला कि आपका जो चैनल है उसमें आपने जितने भी वीडियोस डाले हैं इसमें हमको सिग्निफिकेंट पोर्शंस आपको मिला, ठीक है। योर चैनल इज नॉट इन लाइन विथ अवर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी, ठीक है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपका जो चैनल है वो यूट्यूब पार्टनर पॉलिसी के इसमें नहीं आता है, ठीक है। जो उनकी पॉलिसी है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसमें आपके चैनल के वीडियोस नहीं आते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। एज ऑफ टुडे योर चैनल इज नॉट एलिजिबल टू मोनिटाइज एंड यू विल नॉट हैव एक्सेस टू मोनिटाइजेशन टूल्स एंड फीचर्स, यानी कि आपका जो वीडियोस है, आपके चैनल के जो वीडियोस हैं वो एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। प्लीज़ गो टू योर मोनेटाइजेशन पेज टू रीड मोर अबाउट द स्पेसिफिक पॉलिसी आवर स्पेशलिस्ट फ्लैग, यानी कि आप जाइए और अच्छी तरह पढ़िए कि यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी क्या है, ठीक है, वो उसको आप अच्छी तरह पढ़िए, मोनेटाइजेशन के पेज के ऊपर जाइए और अच्छी तरह पढ़िए कि हमारी जो यूट्यूब प्रोग्राम पॉलिसी क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नोटिस करने को बोला था कि वो क्या चीज़ है जो चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो, तो वो क्या चीज़ है, इसमें एक वर्ड लिखा है कि जब यूट्यूब स्पेशलिस्ट ने रिव्यू किया इनके चैनल को, मेरा जो फ्रेंड है उनके चैनल को रिव्यू किया, रिव्यू पे उनको ये मिला कि सिग्निफिकेंट पोर्शंस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये चीज़ होती क्या है, अब जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में होती क्या है। ये चीज़ दोस्तों वो है कि सिग्निफिकेंट पोर्शंस का जो इन्होंने वर्ड्स यूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है
कि इन्होंने अपनी जो क्लिप्स है, ठीक है, अपने इन्होंने जो वीडियोस बनाए इनमें इसमें इन्होंने दूसरों के जो वीडियोस है उसके कुछ कुछ भाग, यानी 3 में से 2.5 हिस्सा उन्होंने ये इन्होंने यूज़ किया जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, उसमें से उन्होंने अपने वीडियोस में से अपने उनकी जो वीडियोस है वो यूज़ किए बराबर, उसके बाद फिर अपना कंटेंट भी डाला है, लेकिन उसमें से उन्होंने मतलब 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट के वीडियो में से उसमें से 3 या 4 मिनट उन्होंने दूसरों के वीडियोस यूज़ किए हैं, ठीक है। अब मैंने जब मेरे फ्रेंड से बात किया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मुझे क्लियर समझाया कि भाई मुझे इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं था कि ऐसे भी पॉलिसी है, ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने ये और कि जो वीडियोस यूट्यूब के मैंने लिए हैं वो उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कि मैंने सोचा कि वो वीडियोस उठा के मैं मेरे चैनल पे डालूं ताकि लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं वो उन वीडियोस को देखें, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये यूट्यूब पॉलिसी के क्या है, खिलाफ है, सिग्निफिकेशन पोर्शंस उनको मिलते हैं, ठीक है। तो सीधा और साफ यूट्यूब का कहना है कि जो भी कंटेंट आप बनाओ, जो भी वीडियोस आप बनाओ, लेकिन वो खुद का कंटेंट होना चाहिए आपकी, चाहे आप वॉइस ओवर करो, नई नई चीज़ें लेके आओ, ठीक है। दूसरे मतलब कि कैसे है कि आप कहीं ना कहीं से आप कोई भी व्हाट्सअप की कोई भी चीज़ें बातें, लेकिन वो अपनी वॉइस में आप बताओ, ठीक है, अपने फेस स्कैम में आप बताओ, यूट्यूब ये बोलता है। लेकिन यूट्यूब ये नहीं बोलता है कि ऑलरेडी पहले से यूट्यूब के सर्वर के अंदर वीडियोस है और उन वीडियोस को आप यूट्यूब से डाउनलोड करो और वापस से अपने चैनल के अंदर डालो, तो यूट्यूब के सर्वर में ऑलरेडी पहले से वो वीडियो है, लेकिन अब ये आपके चैनल में वहाँ पर भी वो चल रहा है और यहाँ पर भी ये चल रहा है, तो यूट्यूब के ये पॉलिसी के खिलाफ है। यानी कि ये सिग्निफिकेंट पोर्शन का मतलब यही होता है, आप अपने वीडियोस तो बना रहे हो लेकिन इसमें आप वीडियोस के 5 मिनट के वीडियोस में 2 या 3 मिनट आप दूसरों के वीडियोस को चला रहे हो, तो वीडियोस तो ये जो रिव्यू में जब इनका पाया गया और सिग्निफिकेंट पोर्शन इनको बताया गया कि भाई आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन हमको मिला है आपके वीडियोस आपके चैनल्स में, तो ये हम अलाउड नहीं करेंगे, आप क्या कीजिए, उन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है, उसमें अगर वो सारे वीडियोस को डिलीट कर देते हैं फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उनको वापस से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जब जाके उनका फिर वो रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद जब उनका मोनेटाइजेशन जब यूट्यूब की टीम को लगेगा भाई अब इन्होंने सारे के सारे वीडियोस जो उन्होंने यूज़ किए थे वो पूरे के पूरे निकल गए हैं, तो अब इनका चैनल मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा, अब उनको 30 दिन का टाइम दे दिया गया। वो घबरा गए थे लेकिन जब इन्होंने मेल दिखाया तो मैंने उनको समझाया और वो इस तरीके से उन्होंने वर्क किया। अब उनका देखिए इंशाल्लाह अगर आगे चल के 28 दिन 30 दिन के बाद जब वो अप्लाई करेंगे उसके बाद रिव्यू पे जाएगा, रिव्यू पे जाने के बाद जब यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि भाई अब इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने किसी का कॉपी किया हो या किसी का वीडियोज़ पहले से ऑलरेडी यूट्यूब के सर्वर के अंदर है वहाँ से उन्होंने डाउनलोड करके अपने इसमें अपलोड कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाएगा तो इनका जो चैनल है मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। बस दोस्तों नए यूट्यूबर से भी कहता हूँ कि खुद का और नया यूनिक और सही और अच्छा कंटेंट आप लेके आइए ताकि आपको इन फ्यूचर आपकी अर्निंग शो करने लगे, सब कुछ होने लगे, फिर उसके बाद यूट्यूब अगर आपके ऐसे वीडियोस पकड़ ले, ठीक है, जो इसके पॉलिसी के खिलाफ हो, तो आपको किस तरीके से दुख होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी गलती आप मत कीजिए, स्टार्टिंग ही आप सबसे पहले स्टार्टिंग ही अपने माइंड में एक चीज़ को समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है, कौन सी थीम पे काम करना है और यूनिक मेरा खुद का कंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। तो खुद के कंटेंट पे आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन तरक्की और कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि जो भी यूट्यूबर्स ऐसी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं तो उनको इसका सॉल्यूशन मिल जाए और मेल का मतलब उनके पास भी अगर इफ मेल आया है, ठीक है, मेल आया और उनको भी समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो के थ्रू शायद उनको भी समझ में आ जाए कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है। और दोस्तों जब भी यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो आप यूट्यूब की पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब करके रहिए क्योंकि जब भी कोई भी नई पॉलिसी आएगी तो मैं मेरे चैनल पर सबसे पहले उसे अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।